Good morning, my dear student. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 7th class. In 7th class, I am teaching you active and passive voice. No, direct and indirect. So, direct and indirect, I have taught you rule number 1st. जो आपका ए होता है, क्या होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर मोटिव रिपोर्ट वर्ब चेंज नहीं बोलते, सेकंड पढ़ा दिया है। इफ आफ्टर द वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच इज गिवन एनी ऑब्जेक्ट बी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू से टू सेड टू इनटू टेल्स टेल एंड टोल्ड। थर्ड ही पढ़ा दिया है कि इफ द वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फॉर्म ऑफ पास्ट है तो बी चेंज द वर्ब और रिपोर्ट इज गिवन बिलो प्रेजेंट टेंस पास्ट में इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट का टू पावर इस तरीके से। फोर्थ भी मैंने कल पढ़ाया था कि इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज एनी फॉर्म ऑफ फ्यूचर पास्ट टेंस एंड इन रिपोर्टिंग स्पीच एनी फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस इज यूज टू बी चेंज ओनली विल इनटू वुड एंड साइलेंट टू सुस्ट। तो उसी पार्ट में मैं आपको मैंने ये पढ़ा दिया सही। आज मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा आई एम ओ डी ए आई एल, क्योंकि मॉडल्स आपके कैन कोड में माइट होते हैं। पहला कैन चेंज इनटू कोड, कैन के अंदर सकता है सकते ही आता है। इसका यूज इट इज यूज टू शो पावर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस, जैसे कि ही सेड राम एंड बीट। तो ही सेड का सेड रहेगा, ये जो पढ़ने के बाद दैट लगाओगे राम कैन चेंज टू फुट बीट, ठीक है। सेकंड मॉडल इज मे, देखो कैन के अंदर सकता है मे का भी होता है लेकिन यूज अलग होता है। कैन का सामर सकते होता है दिखाने लिए आता है, मे यूज टू गिव एंड टेक परमिशन अनुमति देने की, और इसको हम माइट मॉडल देते हैं। और आपके कोई मॉडल चेंज होते हैं जैसे कि ही सेड टू टीचर, हाँ कम क्या भी अंदर आ सकते, उन्हें परमिशन है अंदर आने, तो ही साइड टू विल चेंज इनटू टोल्ड टीचर, और रिमूव करने के बाद आप डेट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद दे मे चेंज इनटू माइट कम इन, ठीक है। इसके बाद आपके अदर मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से होंगे, जैसे कि कोड कोड के बाद माय शुड कैबिनेट हो गया तीन तीन बोर्ड एक दो तीन चार पांच और एक रह गया आउटपुट, इनमें कोई चेंज नहीं होता दोनों चेंज। जैसे कि एक दो सेंटेंस कर लेंगे, जैसे कि ये सेट कोड क्या होता है, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ मॉडल कैन, जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पास्ट हो जाता है। जैसे कि ही कुड रीड इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो ही सेड का सेड रहेगा, ही रिमूव करने के बाद डैश लगाओगे फिर ही कुड वही रहेगा रीड इंग्लिश। एक आउट टू का भी बता देते हैं, जैसे कि टीचर सेड आउट टू इज यूज टू परफॉर्म अवर मॉरल ड्यूटी, ठीक है। ऐसे कि माइट ये पास्ट टेंस में का होता है, आप करोगे होमवर्क होगा, शुड चाहिए के लिए होता है सिंपल चाहिए, जैसे यू शुड गो होम, मस्ट श्योर वांट होता है यू मस्ट गो होम, गुड पास्ट हैबिट जैसे कि ही वुड गो देयर, वह वहाँ जाया करता था। आउट टू मैं बता ही रहा हूँ, सर टीचर सेड दे आउट टू रिस्पेक्ट देयर उन्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो टीचर लिखा हुआ वैसे लिखा जाएगा टीचर सेड, ये रूप करने के बाद डैट लगाएंगे, इसके बाद दे आउट टू वैसे रहेगा। अदर मॉडल्स एज अ होमवर्क करोगे एंड ऑल्सो राइट सम ऑफ द सेंटेंस ऑफ दिस टाइप एंड ट्राई टू सॉल्व दैम इनटू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।